बताने की जरूरत नहीं है, है ना? Yes. ये हमारे पीछे है मेन सेंटर का गेट. And this is something new issue. ये सेंटर कंसोल का जो स्क्रीन है ये ऐसे ही फ्रीज होके है. ना गाना चला सकते हैं ना मैप चला सकते हैं, तो देसी तरीके से फिलहाल मैप को लगा दिया है. Hey, good morning everyone and welcome back to Upbeat Travel. कल हम लोगों ने शाम को बोला कि फिर से मिलते हैं, but obviously मिलते तो सपने में ही मिलते हैं, है ना? हाँ, उसके बाद हमने डिनर विनर मंगवाया, खा पी के बस ठश पश, तो मस्त था, एकदम रिलैक्स्ड वाली थी. तो अभी बस सुबह ब्रेकफास्ट करके हम चलेंगे ईशा फाउंडेशन के उनके आश्रम की तरफ. अभी होगी धूप आज काफी है, विच इज अ बैड थिंग. होपफुली थोड़ा सा ओवरकास्ट हो जाए क्योंकि वो पूरा खुला जगह है एकदम. कल काफी ओवरकास्ट थी जब हम पहुंचे थे, कल दिन भर भी यहाँ पे अच्छी थी. यस बट ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा है, लेट्स सी. क्योंकि बैंगलोर वाला तो हम गए थे, ये वाला हम कभी नहीं गए, दिस ओरिजिनल वन है ना. तो हमने सोचा कोयम्बतूर में है तो ऑब्वियसली उसको देखना तो बनता है, ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे कोई बैंगलोर जाने की जल्दी तो है नहीं. यहाँ से 7 घंटा मैक्स लगेगी पहुंचने में बैंगलोर, राइट, है ना? तो कोई ना, चलो अभी ब्रेकफास्ट के वहां चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलेंगे, है ना? सो ये आ गए हम ब्रेकफास्ट के यहाँ पे. इसके स्प्रेड्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी वैरायटीज है, तो चलते हैं उस तरफ, वहाँ पे सारे स्प्रेड है. दिस इज अंडा करी काइंड ऑफ है, दिस इज पराठा, ये पूरी के लिए रखा हुआ है, दिस इज भाजी, ये है उत्तपम, दिस इज पोंगल, एंड इधर है सांबर. सो मस्त है. और यहाँ पे सर चटनी वटनी है, एंड दिस साइड फ्रूट्स ब्रेड एंड कॉर्नफ्लेक्स वो सब रखे हुए हैं. सो लुक्स गुड, चलो हम भी शुरू करते हैं. So, आ गए हम लोग ब्रेकफास्ट चेकआउट फॉर्मेलिटी सब कुछ कंप्लीट करके, ऑल डन. यस. तो यहाँ से अभी हम जैसे कहा था कि हम जाएंगे आदि योगी ईशा फाउंडेशन सेंटर, राइट? तो कुछ 33 किलोमीटर है घंटे भर के आसपास, है ना? तो कोई ना, चलो निकलते हैं यहाँ से, फिर रास्ते में मिलेंगे. यप. क्या बढ़िया लेक है एकदम, एक क्या नाम था इसका, कुमारस्वामी लेक. बढ़िया पार्क करके, सीट आउट करके, मेंटेन भी कर रखा. यस, नेक्स्ट टाइम तो पक्का आ जाएंगे अगर कभी तुम्हें बतौर आते हैं तो. एकदम सही कंट्री साइड वाली लोड लग रही है ये, है ना? मौसम भी थोड़ा थोड़ा सा ओवरकास्ट हो चुका है क्योंकि सुबह जो है मौसम काफी खुली खुली सी थी, खुशनुमा थी काफी. हाँ, मतलब खुली खुली सी थी, तो हमें लगा के वहाँ पहुँचेंगे धूप रहेगी तो फिर, है ना? बट हाँ, मौसम सुधर रही है. यस, ओवरकास्ट हो रही है, तो व्हिच इज गुड. तो ये ईशा फाउंडेशन का तो अभी नया नया बना है बेंगलुरु में, चिक्कावालापुर. हमारा वीडियो भी है उसके लिए, बट हाँ, हमारा हमेशा से था कि एक बार ओरिजिनल वाला तो देखेंगे कभी, बट वो प्लान नहीं बन पाती थी क्योंकि हमेशा कोयम्बतूर से होके हम क्रॉस कर जाते थे. इस बार बन गई संभव. तो मस्त, वहाँ पे तो आदियोगी का स्टैचू है और ईशा फाउंडेशन का आश्रम भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही एक्सप्लोर करें. तो लेट्स सी कैसे क्या होता है, है ना? सामने का क्या मस्त लग रही है, एकदम नारियल पेड़ से भरा हुआ पूरा चारों तरफ. सो ये है ईशा फाउंडेशन का रास्ता. हाँ, इधर है ना मॉल. हाँ,
सो ये हम पहुंच गए यादि योगी सेंटर। तो एकदम एंड में आके यहाँ पे पार्किंग की हुई है। यहाँ से आगे का क्या है वो हम देखते हैं एंड बताते हैं। यस ह्यूज एंड अमेजिंग ऑब्वियसली। आई थिंक यहाँ पे देख के फिर उस तरफ अगर आपको ईशा सेंटर जानी है वो कुछ 1 किलोमीटर चल के जाना होता है। बाकी कुछ कुछ आई थिंक इलेक्ट्रिक कार एंड वो सब भी अवेलेबल है। देखते हैं वो पता करते हैं। बुलक कार्ट भी है वो देखो गाय खींच के लेके जा रही है। Beautiful. सामने से और अच्छा वाला व्यू दिखाते हैं। Yes. गाड़ी पार्क करते हैं और फिर उतर के मिलते हैं। पार्किंग तो ह्यूज है। यू कैन सी हमने यहाँ पे बिच्छू को लगा दिया एंड दिस इज द होल पार्किंग। सो फाइनली कीचड़ को बचाते हुए सामने अभी भी नेगोशिएट कर रहा है। Yes. जगह बहुत बड़ी है बट पूरा मिट्टी वाली है। तो कोई ना चलो हम चलते हैं स्टैचू के वहां पे। वाओ व्यू तो साइड में जस्ट कैन सी अमेजिंग एंड स्टैचू का तो ऑब्वियसली। बट हाँ अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो बेटर कम इन द इवनिंग। इनका वो 7:30 बजे ग्लेशियर शो होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बैंगलोर में भी होती है यहाँ पे भी होती है। सो सेम टाइम पे बताने की जरूरत नहीं है और मौसम के चलते एकदम और जबरदस्त हो गई है। बढ़िया दिख रही है एकदम मस्त। थोड़ा सा और क्लिप क्लिप देते हैं क्या दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से मेन आश्रम तक जाने के लिए ये बुलक का सर्विस अवेलेबल है अगर किसी को लेना है। तो फिलहाल हम चल के जा रहे हैं। हाँ ये मौसम तो अच्छी है। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा वॉक। यस तो चलो एकदम मेन टेम्पल के सामने चलते हैं फिर वहाँ पे मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर वहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउड है कि नहीं है। जहां तक होगा वहां तक दिखाएंगे ठीक है ना। चलो ये सब छोटे छोटे खाने के स्टॉल बने हुए हैं इधर। आप लोगों को अगर बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक रिफ्रेश खुद को रिफिल करनी है पूरे इंतजाम है उसके। ये हमारे पीछे है मेन सेंटर का गेट। बट हाँ इसके बियॉन्ड आप छोड़ के और कुछ भी अलाउड नहीं है साथ में। सब कुछ यहाँ कहीं पर रखा जाना पड़ेगा। हाँ ये पीछे है वैल्यूएबल डिपॉजिट सेंटर। सब कुछ वहाँ पे रखना पड़ेगा मोबाइल फोन कैमरा बैग एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव अलोंग विद यू। ये पीछे रोड है। यस वहाँ पे लिखा हुआ है। यस हाँ चलो बारिश भी शुरू होने लगी है। हाँ मिलते हैं घूम के आ गए हम लोग। अंदर अराउंड से 40-45 मिनट्स लगती है। से पहले बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं। यस मेक श्योर है ना कि आप उसके पहले पहुंच जाओ।
ठीक है, मेनली वो लिंगा भैरवी टेम्पल जो है वो बंद हो जाती है, तो अंदर लिंगा भैरवी टेम्पल है, फिर सूर्या कुंड है जहाँ पे लड़कों के नहाने का अरेंजमेंट्स है, और एक चंद्रकुंड है जहाँ पे हमारे नहाने के लिए है अगर जिनको करना हो तो, फिर एक है ध्यानलिंगम जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, फिर और एक जगह है जहाँ पे योगा होती है 30 मिनट्स के लिए हर आधे घंटे में, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन। ठीक है, तो बस यही सब है, सेम बस कुछ शोभनीय शॉप्स है इफ यू वांट टू बाय समथिंग, तो बस आराम से 40-45 मिनट्स घूमो, चलो फिरो, एंड फिर आ जाओ वापस, अपने सामान कलेक्ट कर लो, कहीं पे कोई भी फीस नहीं है, इट्स ऑल फ्री से लेके, यस, कुछ भी अवेलेबल रखने के लिए, रखने के लिए सब फ्री है, सब के चार्ज एनी तुम्हारा पनी नॉट एनी, तो मस्त अभी हमारा हो गया, अभी बस हम यहाँ से चलते हुए बिच्छू के पास जाते हैं, फिर बिच्छू में जाके मिलते हैं, चलो। हाँ, हमने भी थोड़ा सा जूस वूस पी लिया, समय आ रहा है पे करके, बस चलते हैं अभी बिच्छू के पास। आ गए हम बिच्छू में, आके थोड़ा सा ब्लास्ट में एसी चला के थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो गए, कोशिश करके सूख गए, मौसम अच्छी है करके उतनी तकलीफ नहीं हुई, अदरवाइज गर्मी के टाइम पे काफी होगी, जगह काफी ह्यूमिड है, पहाड़ वहाड़ से भरा हुआ है, बारिश अगर होती तो ऑब्वियसली और थोड़ी अच्छी हो जाती, बट हाँ अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कितनी ह्यूमिड लगती है जगह, है ना। तो कोई ना, अभी स्वादों के आसपास बज रहे हैं, अभी हम निकलते हैं यहाँ से, यहाँ से 7 घंटे के आसपास लगनी चाहिए टिल बेंगलुरु, बट हाँ यहाँ से थोड़ा निकल के हम कहीं लंच के लिए रुकेंगे, राइट, है ना, तो मस्त, अभी चलो निकलते हैं, फिर मिलते रहेंगे रास्ते में, चलो। तो ये हम पहुंच गए फिर से बैक टू कोयम्बतूर, आदियोगी से कोई और रास्ता नहीं है डायरेक्ट हाईवे को टच करने का, सो आपको कोयम्बतूर से अंदर से होके ही जाके 544 टच करना पड़ेगा, जैसे ही आप गूगल बातों में सेट करोगे, राइट, आते आपको यहीं से ले आएंगी और आपको अंदर मार्केट से होते हुए, हाँ, सिटी आपको क्रॉस करना पड़ेगा, बाईपास का कोई ऑप्शन है नहीं, तो एनीवे यहाँ से थोड़ा सा राइट लेफ्ट वो सब करके अभी 544 टच करने में और 8-10 किलोमीटर है, थोड़ा समय तो है, थोड़ा समय है, तो एक बार हम टच करेंगे फिर हम कहीं पे लंच के लिए रुकेंगे, बस थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बाहर निकल जाए, देन वी विल टेक अ क्विक स्टॉप, तो चलो क्रॉस करते हैं फिर से कोयम्बतूर एंड देन फिर बाहर जाके फिर मिलते हैं। सो हमने टच कर लिया आके 544, यस फाइनली, तो अभी ये वो सिंगल रोड वाला है सेक्शन, सेक्शन हाँ, तो इसमें अराउंड 55 किलोमीटर शायद, थोड़ा लंबा तो था, 25 किलोमीटर था ना, 25-30 किलोमीटर के आसपास था, तो एक बार ये क्रॉस कर जाएंगे देन वी विल स्टॉप फॉर लंच, तो कोई ना चलो, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, गाड़ियों की रश भी है, सिर्फ 2 लेन है, तो इसको क्रॉस करते हैं फिर मिलते हैं लंच के वहां पे। रुक गए थे हम लोग ये सरवना भवन में, हमने लिया नूडल्स, मशरूम मंचूरियन एंड लाइम सोडा, क्विक सर्विस, हार्डली 20 मिनट्स, खाना भी सब क्विक हो गया, यस, उसके चलते, तो बस अभी क्या, अभी तो बस और बस भगाना है, रियर कैमरे में पूरा कचरा लग गया एकदम, तो यहाँ से 312 किलोमीटर एंड 5.5 घंटे के आसपास ऑलमोस्ट, तो लेट्स सी कितना क्या लगता है, एडजस्ट होती है, अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो 9:45 का अराइवल है, भगाते हैं अभी बस।
फाइनली रीच सेलम. अभी बज रहा है 6:45 एग्जैक्ट. 5:45 तो संडे के हिसाब से काफी खाली था. पता नहीं अभी अभी, अभी इंटरेस्टिंग शुरू होगी. हाँ. सेलम टू कृष्णागिरी, कृष्णागिरी टू बेंगलुरु ही मोस्टली सारा विल बैंगिंग जो है मारपीट वो वहीं पे होती है. यस. तो कुछ नहीं, अभी सेलम से तो 3.5 घंटे के आसपास लगनी चाहिए. तो यहाँ से 197 किलोमीटर, तो अभी ETA गिर गिर के 9:30 के आसपास है. हम जब लंच के वहां से निकले थे दैट टाइम इट वाज ऑलमोस्ट 9:50 थी, है ना? यस, ऑलमोस्ट 10 के आसपास थी. तो अभी काफी कम हो गई है. तो लेट्स सी अभी कितना क्या आगे होता है. तो अभी ये सेलम का सिटी क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एकदम बीचों बीच जानी होती है सिटी के. फिर कहीं पे अगर चाय वाय के लिए रुकेंगे फिर वहां पे मिलते हैं जाके. मोस्टली कृष्णगिरी के आसपास तो रुकेंगे. यस. अभी हम नायरा में रुके थे बिच्छू को रिफिल करने के लिए. एंड दिस इज समथिंग न्यू इशू, आई विल शो यू. तो ये सेंटर कंसोल का जो स्क्रीन है ये ऐसे ही फ्रीज होके है. फ्रीज होके नहीं है, ये बंद हो रही है. हाँ, मतलब वही और ऑन हो रही है बट उसी में ही है. बट उसमें जा रही है, होम स्क्रीन के डिस्प्ले में नहीं जा रही. नहीं जा रही है, ये सिर्फ डेट डेट टाइम बता के वहीं पे ये बैठी हुई है. राइट. तो ये दूसरों का हमने सुना था. हाँ, ये हमारा अभी तक हुआ नहीं था. राइट. ये अभी कारप्ले अपडेट होके आई है, इससे पहले हमने नहीं एक्सपीरियंस किया था. अभी ये 2 दिन में हमने नहीं किया, ये हमारी पहली है. लेट्स सी कभी ये सही होती है. हाँ, देखते हैं. ज्यादा जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर उतने ज्यादा गिमिकी. दिस इज प्रीटी बेसिक. मतलब हमारी क्रॉसी 6 साल में ऐसे एक बार भी नहीं करी होगी. कभी भी नहीं करी होगी. तो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं ये कभी ठीक होती है. बताएंगे अपडेट. चलो छुने, 3,500 कंप्लीट कर लिया बट बिच्छू की जो स्क्रीन है स्टिल इन फ्रीजिंग मोड. अभी भी डिस्टेंस तो हो गया बट ना गाना चला सकते हैं ना मैप चला सकते हैं. तो देसी तरीके से फिलहाल मैप को लगा दिया है मोबाइल होल्डर में. तो एसी चल तो रही है बट पता नहीं कैसे चल रही है, क्या फैन स्पीड है ना. यस, टेंपरेचर है नहीं पता, सब कुछ अंदाजे में है. अभी फिलहाल बहुत कुछ अंदाजे में चल रहा है. एसी ठंड लग रही थी तो हमने अंदाजे में नॉब को घुमा दिया. अभी पता नहीं क्या टेम्परेचर है. कुछ तो टेम्परेचर सेट है बट ठंड नहीं लग रही. यस, माय गॉड. चलो, ये हमने लोगों का सुना था बट दिस इज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नाउ. यस. ओके, सो फाइनल टोल अट्टीवेले. तो कुछ नहीं, यहाँ से घर और बस 30 मिनट्स, 19 किलोमीटर के आसपास है. तो पहुंचते वही 10:15 के आसपास बच जाएगी. कंसोल उसी हालत में है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है हमारा सो कॉल्ड. बट सारे बुराई में एक अच्छी बात है कि उसका फ्रंट एंड रियर कैमरा वो काम कर रहे हैं कंसोल में. वो ढंग से काम कर रहे हैं. अगर आप रिवर्स लगा रहे हो तो वो दिखा रहा है एंड फ्रंट कैमरा का बटन ऑन करो तो वो भी दिखा रहा है. बाकी और कुछ नहीं बट ठीक है, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है which is in working condition. बाकी डेडेड टाइम देख देख के हम पिछले 2-3 घंटे से जा रहे हैं. I know, 7:30 बजे के आसपास बंद रही थी वो. It's almost 9:15 now. कोई ना, तो अभी तो बस जाके घर पहुंचना है और तो कुछ है नहीं. Right. और इसके साथ क्या हुआ वो हम बाद में कभी आप लोगों को अपडेट करेंगे. Yes. ठीक है ना, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं फिलहाल. क्योंकि और तो कुछ है नहीं, अंधेरे में बस बारिश में ड्राइव करना है. Correct. तो अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आए तो इस सीरीज के पूरे ब्लॉग्स अगर पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो. दोस्तों को भी सब्सक्राइब करो यार. आई नो. तो कोई ना, चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में. यप.